हिंदू सिर्फ सही मायने में ये चाहते हैं कि देश में एकजुट रहें और सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन कांग्रेस, आप देखिए, 60 साल में उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। 60 साल में उन्होंने सिर्फ गरीब को गरीब रखा, मुसलमान को ऊपर नहीं आने दिया, दलित को शोषित किया है। कहीं आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, कहीं शिक्षा की बात नहीं है, कहीं सुरक्षा की बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, ये इलेक्शन का ये सवाल नहीं है। ठीक है, जब नाना पटोले जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर में शुद्धिकरण, ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटूंगी, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार फ्रीज भी हो रहा है आपका फ्रेम। लेकिन मिश्रा जी, मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि उधर योगी जी भी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो राम भक्त वर्सेस राम विद्रोही जो है उनमें हो गया है, रामद्रोही जो है उनमें हो गया है। क्या वाकई ये चुनाव अब रामद्रोही वर्सेज राम भक्तों वाला हो गया है? तो फिर ये क्या, कितनी कितनी छोटी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी है, राम भक्त राम सदियों से हैं, हजारों सालों से हैं। क्या वो लोग राम भक्त नहीं थे या राम के राम के विचारधारा वाले नहीं थे जो आजादी में अपनी जान दे दिए? राम ही केवल नाम आधार उतर नहीं पा रहा, राम का केवल नाम काफी होता है और आपने राम को अपना कॉपीराइट बना लिया। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हिंदुओं का? क्या हिंदुओं का रखवाली भारतीय जनता पार्टी अकेली है क्या? भारतीय जनता पार्टी का क्या हक बनता है कि आप हिंदुओं के बारे में बात करें? सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय हिंदुओं का एक विचारधारा रहती थी, हिंदुओं के सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत निरामया, मतलब सब लोग सुखी रहें, सब लोग संपन्न रहें। उस विचारधारा का आपने विरोध किया, आपने हिंदुओं को एक कट्टरपंथी टैग कर दिया है। आपके हिसाब से आपने हिंदुओं को ऐसा बना के रख दिया है कि हिंदू सिर्फ कट्टरपंथ होता है। ऐसा नहीं है, हिंदू ये देश में हिंदू कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू सेक्युलर है। इसीलिए ये देश अभी तक है, जहां जहां हिंदू नहीं है वो देश कोई भी सेकुलर नहीं रह सका। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने काम करे। मैंने आपसे मानी जी पहले भी कहा था कि एक कल चुनाव और जाने दीजिए, एक पहर और जाने दीजिए, आप देखिएगा कल के चौथे चरण के बाद में ये इस हद तक गिर जाएंगे कि आपस में ऐसे ऐसे भाषण देंगे। और हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने बोला था कि नाना पटोले को ये जाकर बीजेपी ने कहा था क्या कि शुद्धिकरण की बात वो करें? नहीं, एक अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रही थी कि उन्होंने ये बोला है क्योंकि राष्ट्रपति गई है इसलिए शुद्धिकरण होना चाहिए। देखिए कैसे भाषणों को घुमाया जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि राष्ट्रपति गई है दलित गई इसलिए, जबकि दलितों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। एक मिनट मेरी मुझे बात फिनिश करने दीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने यह भी बोला था कि दलितों का राम की जगह मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास, मां मंदिर की जगह पे शौचालय की बात करने वाले लोग आज यहाँ पर तथाकथित तौर पर बैठ के राजनीति करने की बयान कर रहे हैं, मंदिर की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। राम सिर्फ आपके हैं, आपकी बपौती है राम। समाचार राम सिर्फ आपका अधिकार है क्या? आप बताइए ना, आप बताएंगे कि हम राम की पूजा कैसे करें? क्या राम हमारे नहीं है? राम भक्तों के पैरों को धोया जाता है, ठेकेदार अनुभव है कौन है? मोहतरमा तो ऐसी है कि राम जय राम जय श्री राम बोलने में जवान लूंगी। याद होगा आपको वीडियो, याद होगा आपको वेस्ट बंगाल का वो वीडियो कि जब गाड़ी रुकवा कर कौन बोला ना जय श्री राम, जवान खिंचवा ली जाएगी। उन लोगों को वास्तविक तौर पर बताने जा रहा है कि राम के भक्त कौन है, मुझे बताइए वास्तविक तौर पर इस देश में जो कार्य 1947 में हो जाने चाहिए लगातार। मिश्रा जी, इस तरह के बयान भी तो आ ही रहे ना, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं दुष्यंत जी से कह रही थी कि भैया जो जाता है वहां पर तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो ये वाली चीजें भी नहीं, तो नहीं, है आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं? जब तक कांग्रेस में तब तक सही थे, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए तो जो वो बोले भारतीय जनता पार्टी इनको सही लगेगी। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण पहले कांग्रेस में थे ना। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया गया था क्योंकि वो राम मंदिर राम का इवेंट ना होकर के नरेंद्र मोदी का इवेंट बन गया था। वहां पर नरेंद्र मोदी भगवान राम से ऊपर हो गए थे इसलिए विपक्ष ने बहिष्कार किया था। जब मंदिर का कार्यक्रम हो सब देश को बुलाओ, आपने शंकराचार्य को नहीं बुलाया, राम का बहिष्कार कभी नहीं हुआ। राम का बहिष्कार किया है प्रधानमंत्री, राम का बहिष्कार अभी यहाँ आने से पहले राम की पूजा करके आया हूँ, ऐसी बात कर रहे हैं आप हमें बताने वाले कि आप हैं कौन? कौन नहीं जा रहा, कौन है जो मुझे बताएंगे कि मेरे राम कैसे होने चाहिए, कौन होने चाहिए? ठीक है, आप कौन हो? आप नहीं जाना चाहिए इस देश के इतिहास, आप कौन हैं सर? आप ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रोफेसर कपिल, आप दोनों
जिसने मंदिर का विध्वंस किया, उसके बाद आजादी के बाद ऐसे लोग रहे जिन्होंने राम मंदिर पे ताला लगा दिया। एक के बाद सीरीज है हैदराबाद के अंदर जिस प्रकार से जितना घटिया प्रचार इस चुनाव में होगा भारत के अंदर कभी नहीं हुआ होगा। इतिहासकार होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, और इसको घटिया बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके कारण है कि आज अगर ये चुनाव हमारा है और हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं तो बात ठीक है। सैम पेट्रोजा बैठ के बाहर क्या कह रहे हैं देश से, सोरोस के एजेंट क्या कह रहे हैं बाहर बैठ करके देश से, पाकिस्तान क्यों चाहता है कि चुनाव में हमारे इंटरफेयर के करने का, और उसके बाद मनीष शंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, मतलब ये क्या ओपन थ्रेट है? क्विक रिएक्शन ले लेते हैं उसके बाद। कि पाकिस्तान से बात करो नहीं तो पाकिस्तान बम फोड़ देगा। आ रही हूं, उस पर भी। तो इसलिए क्विक रिएक्शन, दुष्यंत जी फिर मैं संजय जी का रुख करूंगी सर, क्विक रिएक्शन हो जाएगा। एक लाइन कह रहा हूं मैं, देखिए राम मंदिर के ऊपर बीजेपी ने डे वन से अपनी बात रखी हुई है, हमने मंदिर बनवाना है, ठीक है। कांग्रेस अपनी बार बार बात पलटती है, ठीक है, कभी राम मिथ्या हो जाता है, कभी राम मंदिर की सफाई, ठीक है, ये बात तो ठीक है ना। और सर वर्षों तक मेरी इस बात को गलत, वर्षों तक कोर्ट में लटका के रखना, कर दीजिए आप, ठीक है। आप सर एक बार पित्रोदा प्रत्याशी नहीं, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं। कब निष्कासित हुए भाई? 2018 में। छोड़िए यार उनको। अरे और नाना पटोले, ये तो आपके महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरे दुष्यंत छोड़िए, आप सभी के लिए इस तरह से बोलते हैं दुष्यंत जी? आप खुद ही पार्टी मेंबर रही हैं, आपको कहां से मालूम? प्रधानमंत्री दुष्यंत जी, आप तो खुद पार्टी मेंबर रही हैं, आपको कहां से मालूम? देश के, सुन लीजिए, और आप इतने बड़े पार्टी मेंबर हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, आप लोगों को यही रोक रही हूँ, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, मुझे यही ब्रेक लेना होगा, मैं यही ब्रेक लूंगी, क्योंकि सब नहीं सर जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, नहीं है ना, तो फिर आप क्यों कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं? ठीक है, सच्चाई को, चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोक रही हूँ सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, के साथ क्या संबंध है? यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।